नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कुमार। आप पहले जानते हो और आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बाइक की वीडियो बनाता हूँ, तो हो सकता है मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ और इसको अपलोड करूँगा और ये जो बाइक है उससे पहले ही सोल्ड आउट हो जाए। क्योंकि यार बाइक है तो डीलर्स की बाइक होती है, तो इनको जहाँ से अच्छा पैसा मिलता है ये उनको सोल्ड आउट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं किसी बाइक का वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई बाइक। नई नहीं है, लेकिन आप परचेस करोगे तो आपके लिए तो नई होगी, बाइक तो सेकेंड हैंड है। तो कौन सी है बाइक, क्या है प्राइस, कितने किलोमीटर चली हुई है, क्या है कंडीशन, पूरा अंडर रिव्यू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी, वरना फिर आप सोचोगे, कमेंट करोगे कि भैया कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चली हुई है। पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले जो बाइक के सिनेमैटिक शॉट है, आप उन सिनेमैटिक शॉट को एंजॉय कीजिए और पूरी डिटेल आप उस सिनेमैटिक शॉट में बाइक की पूरी कंडीशन आपको मैं दिखाता हूँ, फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, सिनेमैटिक शॉट में आपने देखा होगा, मैंने बाइक की हर एक चीज़, हर एक पार्ट, मीटर, टायर वगैरह सब एक चीज़ कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बाइक में सिनेमैटिक शॉटों में बाइक के कुछ डिटेल देख ली, मतलब डिटेल की कंडीशन देख ली, क्या कंडीशन है, क्या कि मीटर वीटर सब मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं उसके किलोमीटर की, कि कितने किलोमीटर वो चली हुई है। दोस्तों, 13,800 कुछ किलोमीटर वो बाइक चली हुई है और बिल्कुल A1 गाड़ी है अभी तक। कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो मीटर बिल्कुल रिफ्रेश किया हुआ मीटर है, बिल्कुल ओरिजिनल किलोमीटर यही चली हुई है। बात करते हैं उसके ईयर की, कि कौन से ईयर का वो मॉडल है। तो दोस्तों, सन 2019 का मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, सन 2019 का मॉडल है। तो बाइक 2019 का मॉडल है और 1.5-2 साल की लगभग गाड़ी पुरानी है और मात्र 13,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर दोस्तों आप इसको परचेस करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इंजन कंडीशन की। तो 13,000 किलोमीटर चली है, तो टायर और इंजन कंडीशन ऐसा नहीं है कि इसका इंजन खुल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी का इंजन बिल्कुल अभी तक जैसे कंपनी से पैक आया है वैसा का वैसा पैक है। और 13,000 में यार क्या टायर घिसेंगे, टायर भी अभी तक गुड वेल कंडीशन में है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसके रजिस्ट्रिकेशन की। तो ये RJ34 यानी RJ34 में रजिस्टर्ड है। RJ34 मेरे हिसाब से RJ34 शायद किरोली का है, तो किरोली के रजिस्टर्ड है, तो ऐसा कोई इशू इसमें ऐसा है नहीं है कि आपको कहीं नहीं चली। RJ लगा हुआ है ना राजस्थान, तो राजस्थान के हर एक जगह पे चलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप हर एक जगह इसको चला सकते हो। आगे इसका एड्रेस और जिनकी गाड़ी में कॉन्टैक्ट, तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे मैं इस गाड़ी की आपको जिनकी गाड़ी में कॉन्टैक्ट नंबर बताऊँगा और एड्रेस ही बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस 36,000 रुपये, जो कि बिल्कुल नेगोशिएशन प्राइस है,
ऐसा नहीं है यार, 2 साल पुरानी गाड़ी है तो इतना तो बनते हैं। बाकी ये प्राइस भी नेगोशिएशन नहीं है, हर वीडियो में मैं आपकी प्राइस नेगोशिएशन लेता हूँ, फिक्स प्राइस नहीं लेता हूँ। तो जो अगर आप डील लेना चाहोगे तो जो भी होगा कम बत्ती कर लिया जाएगा, लेकिन 37,000 रुपये अभी नेगोशिएशन प्राइस है। और अब दोस्तों बात करते हैं इसके एड्रेस की। किरौली में रजिस्टर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जयपुर में नहीं मिलेगी, ये जयपुर में ही है, आप जयपुर से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जिनके बाइक है उनके कॉन्टैक्ट नंबर की। तो आपको सामने डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, तो जिनके बाइक है उनके कॉन्टैक्ट नंबर यही है। आपको बाइक का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो या इनसे पूछ सकते हो, आपको हर एक चीज़ समझा दी जाएगी और इनसे बात करके आप बाइक की डीलिंग ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको अपलोड करूँगा, अगर आप इसको देख रहे हो पता नहीं ये बाइक सोल्ड आउट हो सकती है, क्योंकि यार डीलर्स की बाइक होती है तो इनको जहाँ से अच्छा पैसा मिल जाता है वहाँ से। बाकी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना देता हूँ, तो हो सकता है अगर आपको दूसरी कोई बाइक का वीडियो आते रहेंगे अपने चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना, और घंटी के आइकन को प्रेस कीजिएगा, हर एक भी नोटिफिकेशन आएगी। और आपको कौन सी बाइक का वीडियो चाहिए, आपको कौन सी बाइक चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आगे उसी बाइक की वीडियो लेके आऊँ और वहाँ की जगह की वीडियो आपको लेके आऊँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यार एक सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है ना उस पर क्लिक कर देना, फिर घंटी के आइकन पर प्रेस कर देना, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला, कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वन मोर रिक्वेस्ट, ओके सर, थैंक यू।